हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, मैं अमोद कुमार आपके सामने हाजिर हूं फिर से बायो का नेक्स्ट सेशन लेकर। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे कि ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, उसी को हम लोग अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि कुछ मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट क्या होता है और हेटरोट्रॉप क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में मैंने कुछ बताया था, उसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो बताइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट जो है, प्लांट अपना भोजन कैसे लेता है और कैसे बनाता है, क्या मोड हो सकता है उनका, वो किस चीज़ पर डिपेंड रहता है, तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। किसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, किसको बोलेंगे हेटरोट्रॉप्स, तो उसी के बारे में आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, और आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलती है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट को, तो यही सब के बारे में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉप्स क्या होता है और हेटरोट्रॉप्स क्या होता है। तो ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, जो क्या होता है किसी पर डिपेंडेंट ना हो, जो क्या वो खुद अपना भोजन खुद बनाता हो उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉप्स क्या हो गया, जो किसी दूसरे पर डिपेंड हो, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ दूसरे को लूटने जानता हो, उसे बोलेंगे हम हेटरोट्रॉपिक्स। ठीक है, तो अब हम कैसे पता चलेगा कि ये ऑटोट्रॉप्स है या हेटरोट्रॉप्स है, उसी के बारे में मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं और इन्हें मैं एक एक करके आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, तो देखते रहिए आप लोग। पहला है ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है पहले ये बताइए हमें, क्लोरोफिल क्या होता है, कभी आपने नाम सुना होगा, बताओ। आज तक एक मूवी में गाना आया था कि हरा रंग डाला, और आज तक उसे खोज रहा लोग कि हरा रंग क्या था जो डाला, मार ही डाला उसमें। तो आज वही है, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये क्या है, ये प्लांट में पत्तियों के अंदर ये ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है पत्तियों के अंदर में, उसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल। और इनका काम क्या होता है, तो ये दोस्तों क्या करते हैं, प्लांट्स को फूड प्रिपरेशन करने में उसे हेल्प करती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का डिफिनेशन अगर मैं लिखवाऊँ तो इनका क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर प्रेजेंट इन प्लांट्स इज नोन एज क्लोरोफिल। तो इनका आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आया कि कैसे पहचानेंगे कि वो ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन कैसे बनाएगा, नहीं बनाए, तो अब आइए देखते हैं। पहला तो मोड देयर ऑन फूड, वो क्या होगा, खुद अपना भोजन बनाएगा, उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। तीसरा पॉइंट हो गया, वो तो ग्रीन होगा, पहला बात तो ग्रीन होगा वो, उसमें क्लोरोफिल होगा बता दिया मैंने। और क्या हुआ, दे आर प्रोड्यूसर। दोस्तों ये प्रोड्यूसर बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, आज आपको बताऊंगा प्रोड्यूसर ये होते क्या है। जो भी चीज़ नेचर बना है, जो हमें नेचर से मिलता है, उसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर। तो पहला हो गया प्रोड्यूसर में क्या होगा, जितने भी प्लांट्स हो गए वो हो गया प्रोड्यूसर। आप बताइए क्या एनिमल प्रोड्यूसर हो सकता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोड्यूसर जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल कोई प्रोड्यूस नहीं करता है। और एनिमल अगर प्लांट को जब तक वो अपना भोजन की तरह ग्रहण नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए हम उसे प्रोड्यूसर नहीं बोलेंगे। चलिए ये तो हो गया ऑटोट्रॉप्स के बारे में, अब आइए मैं बताने जा रहा हूँ आपको हेटरोट्रॉपिक्स क्या होते हैं। हेटरो का मतलब ही होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहे, जो उनका कोई काम धंधा ना हो, क्या करता हो, दूसरे पे ही डिपेंड रहे, दूसरे का ज़िंदगी खाएगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, जो दूसरे पे डिपेंड हो उसे बोलेंगे वह हेटरोट्रॉप। जैसे कि वो अपना भोजन किसी दूसरे से लेगा, जैसे किसी जानवर को मार के खा गया, या जैसे हो गया प्लांट को हम लोग खाते हैं तो प्लांट को हम लोग मार के खा गए, तो वो क्या हो गया, हम लोग क्या गए, हेटरोट्रॉप्स। दूसरा हो गया दे आर नॉन ग्रीन, ये क्या होगा, ग्रीन नहीं होगा, ये क्या होगा, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा और ये ग्रीन कलर नहीं होगा, इनका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखेंगे। ठीक है, ये जितने भी एनिमल हो गए, जितने भी जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसे बोलेंगे हम लोग हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ गया, दे आर कंज्यूमर, इनको ध्यान रखिएगा, ये कंज्यूमर होते हैं। जैसे हम लोग क्या हुआ, किसी दूसरे को कंज्यूम करते हैं तो हम क्या हो गए, उसे कंज्यूमर। जैसे कि हम दूसरे को भोजन छीन के खाने वाले हैं, प्लांट हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो प्लांट पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड होने और उससे क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं, वो हम लोग हो गए कंज्यूमर। अब आपको एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है, ये दोनों बहुत डिफरेंस है। तो पहले देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होता है। दोस्तों न्यूट्रिएंट हो गए चार, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ये क्या हो, जब हम भोजन लेते हैं अंदर
अपने अंदर, तो हमें क्या मिलता है उस भोजन से, क्यों लेते हैं भोजन? भोजन तो हम लोग वेस्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं बाद में, ठीक है? तो कहाँ आगे क्या ऐसा है जो उसमें से हम लोग लेते हैं और बार बार भोजन लेने के बाद भी ये न्यूट्रिएंट कंप्लीट नहीं हो पाती है? तो आइए समझते हैं। तो हम लोग उसमें से क्या लेते हैं, फैट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और विटामिन्स लेते हैं। ये सब हो गया न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं, फूड जो इंटेक करते हैं उनमें से हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं कि क्यों नहीं, ऐसा एक दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग एक दिन खाना खा लिए, एक साल चलो नहीं खाएंगे, अब न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें क्या होता है ना, हम लोग जब भोजन लेते हैं तो एक बार हम लोग नहीं खा सकते हैं एक साल का, वो क्या होता है, फूड वेस्ट के थ्रू निकल जाता है। निकल गया तो क्या हुआ, ये न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? इसीलिए हमें क्या होता है, बार बार वो फूड इंटेक करना पड़ता है, हम लोग भोजन ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है? ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो है वो है फोटोसिंथेसिस। बताइए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कई काम है, आपने नाम सुना होगा, तो चलिए आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस तो पहले नाम से अजीब लगता है, फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, फोटो और लाइट, और सिंथेसिस का मतलब सिंथिसाइज करना, मतलब बनाना, प्रिपेयर करना, उसको बोलेंगे फोटो प्लस सिंथेसिस। इसको लिख लीजिए जहाँ पे आप लोग, फोटो का मतलब हो गया लाइट और सिंथेसिस का मतलब हुआ सिंथिसाइज करना, मतलब प्रिपेयर करना, बनाना, ठीक है? तो अब चलिए आप लोग देखते हैं, फोटोसिंथेसिस एक तरह का ये प्रोसेस है जिससे क्या होता है, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? तो चलिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि यह एक तरह का फूड बनाने का ये मेथड हो गया, ये कि प्लांट्स को क्या क्या नीड होनी चाहिए फूड अपना प्रिपेयर करने के लिए। तो पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, प्लांट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लोरोफिल होनी चाहिए। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लोरोफिल भी बेटर दोस्तों तीन तरह के होते हैं, ठीक है? ये आगे मैं आपको सेशन बताऊंगा। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो ये क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस द फूड मेकिंग प्रोसेस इन विच प्लांट फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, वाटर के हेल्प से, और CO2 के हेल्प से हो गया, कार्बन, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, और सन, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसको, सनलाइट की प्रेजेंस में होना चाहिए, उसे बोलेंगे हम फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस तो ये प्रोसेस हो गया, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के बाद वहाँ से हमें रिलीज क्या होगा, क्या मिलेगा वहाँ से हमें, तो वहाँ से हमें क्या होगा, ऑक्सीजन मिलता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, वो क्या हुआ, प्लांट ले लिया, और फिर प्लांट क्या करेंगे, उन्हीं को सिंथिसाइज करके, रिलीज करके ऑक्सीजन बनाएंगे, ऑक्सीजन को कन्वर्ट करेंगे और ऑक्सीजन हम लोग लेंगे। तो ये क्या होता है, एक साइकिल चलते रहता है, ठीक है? तो अब आपको मैं इनका फॉर्मूला बताता हूँ कैसे कैसे इंटेक करते हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे मैं इसको बोर्ड को रफ करता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ठीक है? जैसे कि आपको मैंने डेफिनेशन पहले वीडियो में बता रखा हूँ, पहले यहाँ बता रखा हूँ आपको, ठीक है? आप देखिए, ठीक है? तो अब देखिए फोटोसिंथेसिस को करने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, ठीक है? तो पहले देखिए फूड मेकिंग प्रोसेस है ये क्या होता है, फूड अपना प्लांट जो है अपना भोजन कैसे बनाता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या हो गया, फूड मेकिंग प्रोसेस हो गया। अब क्या, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और CO2 और वाटर एंड क्लोरोफिल, इनके प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये प्लांट के अंदर में होता है। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगी? होगी, उसके लिए भी होगी, लेकिन क्या होगा ना, उतना नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो आइए आज मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला होता है, ये CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये, ठीक है? और ये हो गया वाटर। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 कहाँ से लेगा, ये एयर से लेंगे, ये कहाँ से लेंगे, एयर से, एटमोसफेयर से, ये क्या एयर हो गया, ये कहाँ से लेंगे, एटमोसफेयर, ठीक है? ये एटमोसफेयर से क्या होगा, प्लांट्स CO2 लेंगे, ठीक है? और वाटर कहाँ से लेंगे, अब बताओ, वाटर तो एयर में मिलेगा नहीं, ये क्या होगा, लैंड से लेंगे, ज़मीन से लेंगे, तो ये कहाँ से लेंगे, अंडरग्राउंड से, ये क्या होगा, अंडरग्राउंड से वाटर ले लिया। अब ये क्लोरोफिल तो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये क्या होगा, क्लोरोफिल हो गया, और ये क्लोरोफिल क्या होती है, बताया था आपको मैंने आपको कि ये क्लोरोफिल उसे बोलेंगे जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, तो उसको लिख लो आप यहाँ पे, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे आप, क्लोरोफिल, ठीक है? और ये लाइट कहाँ से लेंगे, जो
खाना अपना बनाएगा तो लाइट कहाँ होगा, सन से लगाइए। तो ये यहाँ ऊपर आप लिख सकते हो, ये सन, ये कहाँ से लेंगे लाइट, ये सन से लेंगे, ठीक है, ये सन से लाइट लेंगे। और ये रिलीज क्या करेगा, ग्लूकोज और O2, ये ग्लूकोज बनाएगी और O2, तो ये ग्लूकोज को हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस का हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सॉरी एरो छूट गया है, ठीक है। अब ये हो गया क्लोरोफिल, आपने लिख लिया, ठीक है, चलिए इसको मिटाते चलते हैं, फ्रेश हो जाएगा। और ये क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा, ये इसका मतलब होता है दोस्तों, यहाँ इसका मतलब होता है ये रिलीज, O2 का मतलब होगा ये रिलीज, ये क्या हुआ रिलीज, ये O2 निकलेगा ये, ठीक है, ये CO2 लिया और ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया जिसको बोलते हैं हम। यहाँ कहीं भी आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, ये मैं बताऊंगा आगे स्टार्च क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ तक आप देखो, ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं कैसे कैसे क्या होता है, ये आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ये डायग्राम भी बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको मैं रफ कर रहा हूँ और यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है। चलिए ये देखिए सिंपल, हमने एक ये मैंने ज़मीन बना लिया, चलिए एक मैंने यहाँ पे प्लांट लगा दिया, ठीक है, ये प्लांट्स का लीव्स बना दिया, ठीक है। चलिए ये हो गया प्लांट्स, ये प्लांट्स हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो होता है नीचे, ये हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग स्टेम, क्या बोलेंगे, नहीं नहीं सॉरी सॉरी रूट, यहाँ रूट होगा ये, सॉरी इसको बोलेंगे हम लोग रूट, इसको बोलेंगे हम लोग स्टेम। तो रूट से क्या मिलेगा हमें, वाटर, इसको बोलते हैं हम लोग H2O, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा इनको, यहाँ से पानी लेगा, ये क्या लेगा प्लांट, पानी, ठीक है। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और ये एक सन बना लिया मैंने यहाँ पे, ये सन से क्या होगा, ये लाइट होगा, यहाँ से क्या आएगा सनलाइट, ये हो गया सनलाइट, ठीक है। और ये यहाँ से क्या होगा रिलीज, O2, और ये इंटेक क्या करेगा CO2, ठीक है। तो ये आप लोग स्टेम डायग्राम बनवा लीजिए, ठीक है, और आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, इतना तक अब रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसा लगा आपको वीडियो, धीरे धीरे आपको और अच्छी बेटर मिलेंगी थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, थैंक यू।